हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसके बारे में आप लोगों सब ने देख ही लिया होगा। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वो वीडियो वायरल हुई, क्योंकि आप सबको पता है कोरोना वायरस की वजह से खाना काबा के अंदर तवाफ पर पाबंदी लगाई हुई है सऊदी अरब गवर्नमेंट ने। और आज तकरीबन जो है वो 90% जो ममालिक हैं वहाँ पे जुम्मे की नमाज को भी, कल जो जुम्मे की नमाज जुम्मा गुजरा है वो जुम्मे की नमाज भी वहाँ जो है नहीं करवाएगी। दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला को इंसानों की इबादत की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि इंसान अल्लाह का मोहताज है। तो अल्लाह ताला का घर के ऊपर जो है कबूतर, वो भी रात के वक्त, आपको पता है रात के वक्त जो है कबूतर जो है वो सोते हैं, आराम करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के घर में रात के वक्त कबूतर जो है वो खाने काबे का तवाफ कर रहे हैं। एक बात ये आपसे करनी है, मैं वो वीडियो आपको आगे दिखाऊंगा दोस्तों, बल्कि पहले आप वीडियो देख लें दोस्तों, उसके बाद में बात करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये वो अल्लाह ताला का मौजदा है जो अल्लाह ताला इंसान को दिखा रहा है, अकल दे रहा है कि इंसान इस चीज से कुछ सीख ले। लेकिन इंसान जो है ना वो इतना बड़ा बेवकूफ है, उसके लोग पढ़ते पड़े हुए हैं कि जो अल्लाह ताला ने जिस चीज को परिंदों के लिए, जो परिंदे दिन भर सोते हैं और रात के वक्त अल्लाह के घर के तवाफ कर रहे हैं, तो वही मैसेज दे रहे हैं अल्लाह ताला हम इंसानों को कि मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं, तुम लोगों को मेरी जरूरत है। मेरी इबादत तो परिंदे तक भी कर रहे हैं, और जितनी मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की है, सात जमीन और सात आसमान के अंदर सब अल्लाह की इबादत करते हैं। यहाँ तक कि पहाड़ भी जो है ना वो भी अल्लाह ताला से रो के, गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। हालांकि पहाड़ एक जगह पर खड़ा रहता है, उस वो क्या गुनाह करेगा, लेकिन वो भी अल्लाह से इतना डरता है, अल्लाह से इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाता है, आंसू बहाता है, इबादत करता है। लेकिन हमारी जो इंसानियत है, जो हमारे इंसान है, वो मुस्लिम लोग जो अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा और बहुत बड़े बड़े उलामा बोलते हैं, उन लोगों को ये मैसेज, जिन्होंने खाना काबा के अंदर मक्का एक शरीफ के ऊपर तवाफ करने में पाबंदी लगा दी गई और जुम्मे की नमाजों में पाबंदी लगा दी गई। लेकिन दोस्तों, कोरोना वायरस जो है वो तो किसी की शरारत है, सीधी सी बात है। कोई ऐसा नहीं, वो नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इलाज जो है ना बीमारी का, वो अल्लाह ताला ने कुरान में दी है। अगर वैसे भी दोस्तों, ये वायरस जो फैल रहा है ये उन लोगों से फैल रहा है जिन लोगों के ऑलरेडी वायरस है। अगर आपको रोकना ही था तो आप उन लोगों को चेकअप करते, उनका खाना कहावा के इर्द गिर्द जो है वो मेडिकल की टीमें वहाँ पे फिक्स करते हैं, उनकी टाइम टेबल फिक्स करते हैं, और अंदर आने जाने वाले को वो टीमें चेक करती हैं, और जिनमें ये वायरस पाया जाता उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता। तवाफ भी नहीं रुकता, तवाफ भी चलता रहता। लेकिन दोस्तों, इंसान है, इंसान को अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, लेकिन इंसान उससे काम नहीं लेता, बस अपना फायदा ढूंढता है इंसान। इसलिए तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान बेहस खिसारे में है, यानी कि खिसारे में क्या है, इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान नाशुक्र है। दूसरी बात दोस्तों, एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ मैं आपको एक ऐसी वीडियो आज दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों। आपने नाम सुना होगा सूफिया कैफ। सूफिया कैफ एक पेशावर की
मॉडल है, सिंगर है और टिकटॉक के ऊपर वो अपनी वीडियो वगैरह अपलोड करती है। दोस्तों एक दो टके की औरत, एक तवायफ, सही है, अपने जिस्म की नमाज करके पैसा कमाने वाली औरत, उसको ये गवर्नमेंट, हमारे मुल्क की गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, उसको इतना प्रमोट कर रही है, इतना मीडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, इतना मीडिया प्रमोट कर रहा है, जैसे कि पता नहीं उसने कोई, अल्लाह माफ करे, कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, उसने कोई मुल्क फतेह कर लिया उसने अकेली ने। तो दोस्तों उसको इतना मीडिया प्रमोट कर रही है, इतना इमरान खान प्रमोट कर रहा है, पहले आप उसकी वीडियो देख लें, फिर मैं उस वीडियो पे आपसे बात करता हूँ। दोस्तों मैंने इसकी आवाज इसलिए बंद की है कि मैं नहीं चाहता मैं ये जो गाने इसने अपनी वीडियो में डाले हैं मैं वो आपको सुनाऊं, क्योंकि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर मेरी बात में कोई आपको हकीकत नजर नहीं आया तो आप खुद जाके यूट्यूब पे इसकी वीडियो जो है चेक कर लीजिएगा। और मैं जरूरी नहीं समझता दोस्तों इसकी वीडियो देखना, आप लोग देखें, जब खत्म हो जाएगी तो वट एवर, नो प्रॉब्लम। दोस्तों ये वो औरत है जिसका नाम है सूफिया कैफ, इसको बकायदा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है वो हायर किया है, ये जो हमारे मुल्क में PSL के मैच हो रहे हैं उनके लिए जो है एनिवर्सरी जो है लास्ट उनकी जो खत्म होता है मैच, तो उसके ऊपर एक पार्टी दी जाती है, तमाम प्लेयर आते हैं वहाँ पे, लेकिन उसके लिए इसको हायर किया गया है, काफी पैसा जो है इसको दिया जाएगा, इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है उन हुक्मरानों से कि जिनको अल्लाह ताला ने इख्तदार दिया है, जिनको कुर्सी दी है कि वो इस मुल्क की बागडोर संभालें, उन बगैरतों से ये पूछना है मुझे कि आप ये जो पैसा एक तवायफ को दे रहे हैं, ये पैसा जो है आप किसी की घर में बैठी हुई बेटी की शादी करवा देते, बूढ़े माँ बाप की जिनकी हैसियत नहीं है वो अपनी बेटियों की शादियां करवाएं, ऐसी शादियां करवा देते, कोई स्कीम बना देते ऐसी कि उनका फायदा हो सके। आप इतना पैसा जो है वो हराम में लोगों पर, एक तरफ आप बोलते हो कि हम चोरों का एहतसाफ करेंगे, चोरों को पकड़ेंगे, मुल्क से लूटा हुआ पैसा वापस लेके आएंगे, आप तो खुद तवायफों के ऊपर इस मुल्क का पैसा लुटा रहे हो, जो हम लोगों का टैक्स है, जो हम लोग टैक्स भरते हैं, आप वो पैसा जो है तवायफों के ऊपर खर्च कर रहे हो। तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है आप किसी को वोट देने से बेहतर है कि आप घर में बैठ के अपनी नींद पूरी कर लीजिएगा। हमारे मुल्क के अंदर वैसे भी कोई सियासतदान अपनी मर्जी से नहीं आता, ना उसको आवाम लेके आती है, सेलेक्ट किया जाता है उसको, और जो जो ज्यादा बेनिफिट देता है जिनको वही लोग सेलेक्ट करते हैं, और बदनाम किया जाता है हमारी पाकिस्तान आर्मी को। आर्मी इन चीज़ों में नहीं पड़ती, सियासत में आर्मी नहीं है, सियासत में वो लोग हैं जो जिनको जिन मुल्कों को हमारी गवर्नमेंट से फायदा होता है। नवाज शरीफ को इंडिया लेके आएगा, सही है ना, अमेरिका को किसी चीज से फायदा होगा तो अमेरिका उसको लेके आएगा। आपको पता है 92 के अंदर जो वर्ल्ड कप जितवाया गया था वो किस तरीके से जितवाया गया था, एक हारा हुआ वर्ल्ड कप जितवाया गया था, वो इसी मकसद के लिए जितवाया गया था जो आज इमरान खान को हमारे ऊपर बिठा दिया गया। जरदारी है वो भी इंडिया का पिट्ठू है, उनको भी इंडिया लाता है, सही है, वो उनके जो बेटे हैं ना वो इंडिया के, वो टट्टे हैं जो कभी भी उनकी इंडिया की उठाने शुरू कर देते हैं, वो गद्दार हैं हमारे मुल्क के, नवाज शरीफ, जरदारी, जो हमारे मुल्क की बुराइयां करते हैं हमारे मुल्क में बैठ के। और एक है मौलाना फजलुर रहमान, जो कि जिनका बस नहीं चलता वो डांस करना भी शुरू कर दिया आगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ। अगर मेरी बातों में आपको हकीकत नज़र आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा और अपने कमेंट से मेरे हिम्मत पैदा करिएगा कि ताकि मैं और मज़ीद और ऐसा काम कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी फैमिली का और अपना ख्याल रखें, कोरोना वायरस से बचें और मास्क पहने, मुंह के ऊपर लगाएं मास्क, और ऐसी जगहों पे जाने से परहेज करें जहाँ पब्लिक हो, पब्लिक प्लेस हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, सी यू।